अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबा सलीम और मैं इस वक्त हाजिर हूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं लैकताबाद 2 नंबर गुजा नाले के ऊपर। और यहां पर गवर्नमेंट ने करी है इंक्रोचमेंट, और इंक्रोचमेंट के बाद जो नतज हैं वो ज़रा देख लें आप के गलियां जो हैं वो मलबे से ऊंची हो चुकी हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर टूट चुके हैं। और इस वक्त रमज़ान का जो मौका है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई है और सबका यही कहना है कि अभी नहीं करते, रमज़ान के बाद कर लेते, क्योंकि इस माह रमज़ान में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि कोरोना हो गया और बेरोज़गारी हो गई, और बेरोज़गारी तो हमारे मुल्क में पहले से है बट कोरोना के बाद वो और ज़्यादा हो गई, तो वो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद ये एक और चीज़ अगर आ जाती है और उसमें पूरी पूरी घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और हुकूमत उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ फंड्स देती है, और वो फंड्स भी सिर्फ नाम के होते हैं, मतलब दिए जा रहे हैं लेकिन नाम के तौर पे कि चेक दे दिया बट वो अभी तक उनको पेमेंट हुई नहीं है, उनके अकाउंट में डेबिट हुए नहीं है। तो मामला ये है कि यहाँ पे लोग बेयारो मददगार बैठे हैं, जो लोग अपने आप मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अभी भी उसी मलबे के अंदर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती इमदाद का, लोगों का, कि कोई आए और उनसे बात करे। और मैं तो चाहूँगा कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी आए और उनके साथ बात करे और उनसे ज़रा हाल अहवाल ले, ताकि क्योंकि चैनल्स हमारे नहीं दिखा रहे इस चीज़ को कि क्या और अंदर क्या पसमानदगी हो रही है और कितनी बेरोज़गारी और तबाही हो चुकी है। लेकिन हम चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हम अपने इस कैमरे के थ्रू, अपनी टैलेंट के थ्रू, अपनी चैनल के थ्रू हम ये चीज़ दिखाएं। और मैं क्या कहते हैं, अभी जिनसे भी बात कर रहा हूँ सबका यही कहना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एक बार नज़रसानी करे और कम से कम उनको वो पेमेंट दे दे, ताकि वो किराए के घर ले सकें और डिपॉजिट करके वो वहाँ अपने भाई ये मुझे बताएं, यहाँ पर जो चेक के बारे में लोगों को पेमेंट नहीं मिली, उसका क्या इशू है? बेसिकली मैंने अभी जिन भी लोगों से बात करी है उन लोगों का सबका ये कहना है कि चेक दे दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, और चेक भी उस सूरत में दिए गए कि जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता चलूं कि यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि जब बारिशें होती थी तो ये नाला चौक होता था और इसका जितना भी पानी था वो सब घरों में आ जाता था, तो उस वजह से बहुत सारे घर जो करीब के हैं, जो टूटे हैं, उन घरों के कागजात होना मेरा ख्याल से नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अक्सर बारिशें जो हुई हैं वो इमीडिएट बेसिस पे होती थी और अचानक होती थी और उसके बाद वो ओवरफ्लो हो जाता था, तो लोग घर के कागज़ वगैरह, मेरे ख्याल से मैंने जिनसे भी बात करी है वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे बारिशों में डूब गए, समंदर में डूब गए, तो ये मामलात हुए। तो अब जो क्या कहते हैं DC ऑफिस है वो ये बोलता है, या DC ऑफिस या UC ऑफिस कह लें, वो ये बोलता है इनको कि आप घर के कागज़ लेकर आएँ तो हम इनको पेमेंट के चेक देंगे, और कुछ लोगों को पेमेंट के चेक मिल चुके हैं लेकिन उनके वादा वफा नहीं हुआ, उनको मिले हैं तसल्ली बैंक के चेक जो कि अभी तक तसल्ली में यानी कि बस पेंडिंग में, और बैंक की तरफ से यही आवाज़ आती है कि अकाउंट में अभी पैसे नहीं है। तो भाई हुकूमत वक्त से, इस वक्त हुकूमत वक्त से मेरी इस वक्त सिर्फ यही वो है कि आप जो है कम अज़ कम गरीबों का कुछ कर नहीं सकते, तो जो चेक दे रहे हैं, जो पेमेंट का थोड़ा सा चेक है, ये कोई इतनी बड़ी पेमेंट नहीं है, 90,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप घर देखें तो घरों की मिलकियत मेरे को लग रही है करोड़ का, कम अज़ कम भी 50 लाख रुपये तो है ही घर की मिलकियत, तो आप देख सकते हैं कि घरों की किस तरह तबाही हुई है। लोगों ने RCC बनाए हुए थे और अच्छे घर बनाए हुए थे, तो वो पूरे घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट को कम अज़ कम जो गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है मनी, वो कम अज़ कम इतना करे, जो मनी ग्रांट कर रही है वो कम से कम इतना करे, और वो इस तरह से कर दे कि इन लोगों के लिए जो चीज़ अब आसान हो सकती है वो कम से कम हो जाए, यानी कि क्या कहते हैं ये लोग अपना रेंट का मकान ले लें, ताकि इनकी भी फैमिलीज़ हैं, ऑब्वियसली सबके, मैंने जिनसे भी बात करी सबके हालात बहुत ही ख़राब हैं, और मैं यहाँ पर कॉन्टेंट बनाने आया था बट मैं बिल्कुल भी नहीं बना सका क्योंकि मैं अफसरदा हो गया इस मामले को लेके कि यार क्या बनाऊंगा, मैंने किसी की वीडियो नहीं डाली, मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि मेरी अगर इस वीडियो से किसी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट अफसर तक पहुंचती है ये वीडियो, तो काइंडली मेहरबानी करें, इन लोगों के ऊपर रहम करें और जो चेक्स वगैरह आप दे सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, और मैं चाहूँगा कि पूरी यूट्यूब कम्यूनिटी से कि आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और अपना कॉन्टेंट यहाँ से बनाएँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।